नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जीरा की उन्नत खेती के बारे में, क्यूमिन फार्मिंग के बारे में। किसान भाइयों, सवाल रहता है कि जीरा की खेती किस प्रकार की मिट्टी में करनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए और इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और किन किन राज्यों में हम भारत में लगा सकते हैं, लगाने का जो उचित समय है, इन सब की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में आज बात करने वाले हैं किसान भाइयों। तो साथियों, जीरे की खेती आप उन मिट्टियों में कर सकते हैं जहां पर आप धनिया की खेती करते हैं, गाजर की खेती करते हैं, उस प्रकार की भूमियों में आसानी से जीरा की खेती की जा सकती है, क्योंकि जो जीरा का पौधा है वो भी गाजर और धनिया के पौधे के समान ही ग्रोथ करता है, वृद्धि लेता है किसान भाइयों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीरे की खेती इन राज्यों में आसानी से की जा सकती है किसान भाइयों, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, केरल और बिहार के साथ साथ तेलंगाना, इन राज्यों में आसानी से जीरा की खेती की जा सकती है। जीरा की खेती के लिए गर्मी वाले मौसम की ज़रूरत पड़ती है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। और जीरे की जब फसल में फूल आ रहे हैं उस समय बारिश नहीं होना चाहिए, बरसात नहीं होना चाहिए किसान भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जीरा की बुआई का जो उचित समय है वो है किसान भाइयों अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य आप इसकी बुआई कर सकते हैं जीरे की खेती के लिए। इसके बाद बात करते हैं अनुकूल तापमान के बारे में किसान भाइयों। तो जीरा की खेती वैसे तो गर्म एवं आर्द्र शुष्क जलवायु की फसल है, किंतु इसके लिए जो उचित तापमान है किसान भाइयों, मिनिमम 15 से 20 डिग्री और मैक्सिमम 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चल जाता है किसान भाइयों, इतने तापमान में आसानी से ग्रोथ हो जाती है। भूमि की बात करें तो जीरे की खेती के लिए सभी प्रकार की भूमि उपयुक्त है, जिस पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। यदि एल्कलाइन मिट्टी है तो उसमें हमें जिप्सम की मात्रा डाल देनी है और 2 ट्रॉली गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से हमें मिला देना चाहिए और 100 किलोग्राम सिंगल फास्फेट की मात्रा हमें देनी चाहिए। जीरे की बुआई करते समय किसान भाइयों साधारण जुताई करें और जिस प्रकार आप धनिया की बुआई करते हैं छिटकवा विधि से, उसी तरह से हमें जीरे की बुआई छिटकवा विधि से करना चाहिए किसान भाइयों। यदि हम जीरे की बुआई छिटकवा विधि से कर देते हैं तो हमारा जो प्रति एकड़ बीज है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए यदि आप सिंगल सिंगल लाइन में बुआई करेंगे तो ठीक रहेगा। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो GS4 वैरायटी, अवनी 121, दिनकर पोखराज और वेस्टर्न C45, RZ19 जोबनेर, RZ209 जोधपुर, RS1 दुर्गापुर के नाम से आती हैं। ये उन्नतशील वैरायटी हैं जो आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों, इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा देखा गया है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, यदि आप जीरा की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए प्रति एकड़ बीज की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, बीज की मात्रा कितनी लगेगी। तो प्रति एकड़ 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है जीरे की खेती के लिए। वहीं बेसल डोज की बात करें किसान भाइयों तो NPK 12-32-16-50 किलोग्राम और 2 ट्रॉली गोबर के साथ आपको जुताई करते समय बेसल डोज के रूप में देना चाहिए। सिंचाइयों की बात करें तो स्प्रिंकलर मेथड से आपको सिंचाई नहीं देनी चाहिए, बल्कि आप बहाव विधि फ्लड इरिगेशन से सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतराल पर करेंगे तो पर्याप्त होता है किसान भाइयों, और आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना है, समय समय पर आपको ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, तो किसान भाइयों प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 22 सेंटीमीटर और गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखनी चाहिए बुआई करते समय। यदि इस दूरी पर बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो जीरा की फसल में आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड को पेंडीमिथिलिन 30% इसी को 1 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। वैसे तो जीरा की फसल में हम सलाह देंगे कि स्प्रे ना करें, बल्कि आप हाथों से निराई गुड़ाई करके ही खरपतवारों को कंट्रोल करें किसान भाइयों। बात करते हैं जीरा की फसल में कौन से कीट एवं बीमारियां आती हैं, तो प्रमुख रूप से कीटों की बात करें तो चेपा, एफिड, जेसिड, इन कीटों का प्रकोप ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा व्हाइट फ्लाई और
हरी सुंडी देखने को मिलती है। बीमारियों की बात करें तो विल्ट की समस्या देखने को मिलती है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने को ज़्यादा मिलती है किसान भाइयों जीरे की फसल में। तो इनके कंट्रोल के लिए अब हम बात करते हैं कि कौन से स्प्रे कितने दिन में हमें देना चाहिए। तो फर्स्ट स्प्रे 18 से 20वें दिन में, और इसके अलावा सेकेंड स्प्रे हमें 25 से 30 दिन में, और थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की जब फसल हो तब देना चाहिए। फोर्थ स्प्रे 60 से 65 दिन की जब फसल हो, तो बायर की नैरिबो 10 ग्राम और घरडा की पुलिस 8 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, जीरा की खेती यदि आप किसान भाइयों ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक तरीके से करने के लिए बर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है और गोबर की खाद है, बर्मी कंपोस्ट, इनका आप उपयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक में यदि आप खेती कर रहे हैं तो आप कीटों को नियंत्रित करने के लिए येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं, इससे भी आप ऑर्गेनिक तरीके से कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक खादों की, तो फर्स्ट खाद आपको 30 से 35 दिन की जब फसल हो तो यूरिया उर्वरक खाद 15 किलोग्राम और सल्फर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, इतना एक ही बार हमें जीरा की फसल में खाद देनी है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 100 से 120 दिनों की जीरा की फसल होती है हमारी, इतने दिन में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। बात करते हैं किसान भाइयों, जीरा की फसल यदि अच्छा उत्पादन मिला है तो उसका हमें मार्केट रेट बाजार भाव कितना मिलेगा, तो 180 से 220 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें जीरा का बाजार भाव देखने को मिलता है। उत्पादन 7 क्विंटल प्रति एकड़ हमें मिल जाता है किसान भाइयों। इसके अलावा यदि हमारा जो लागत है किसान भाइयों प्रति एकड़ वो कितनी लगेगी, तो लगभग 10 से 12 हजार रुपये लागत लगती है प्रति एकड़, कोई ज़्यादा लागत नहीं लगती है। और शुद्ध मुनाफा की बात करें किसान भाइयों, तो हमें जीरे की खेती करने से एक एकड़ में शुद्ध लाभ लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास मिल जाता है किसान भाइयों। तो कम समय में कम लागत में हम अच्छा उत्पादन जीरे की खेती करके कमा सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, यदि आप जीरा की खेती कर रहे हैं तो जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मुख्य रूप से इसकी खेती किसान भाई कर रहे हैं व्यापक तरीके से, और उत्पादन अच्छा ले रहे हैं किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।